क्रांति करने के लिए ताकत सबसे पहली चीज नहीं होती है, ताकत से भी पहले आता है प्रेम। प्रेम अगर नहीं है सच्चाई से, मुक्ति से, उस काम से जो करने लायक है, जो उचित है, बड़ा काम है, सही काम है, जो जरूरी है, अगर उससे प्रेम नहीं है तो तुम्हारे पास ताकत चाहे कितनी ही हो, क्रांति नहीं हो सकती। फिर आओ चारों ओर अपनी नजरें देखो, जिन ताकतों को तुम पाने का सोचते हो, तुम सोचते हो कि पहले ताकत इकट्ठी कर लें, बहुत सारी ताकतें जब आ जाएंगी, जब हर तरह के संसाधन हमारे पास होंगे, जब हम अपने आप को एक ऐसे सुरक्षा कवच के बीच में घेरे में बंद कर लेंगे जहां कोई और हमें बिल्कुल ही चोट ना दे पाए, जहां हमें ठोकर ना खानी पड़े, जब इतनी ताकत, चाहे वो राजनीति की हो, चाहे वो धन की ताकत हो, चाहे वो ज्ञान की ताकत हो, हर तरह की ताकत जब हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी, तब हम एक साथ क्रांति करेंगे, तब हम एक बार में आमूलचूल परिवर्तन ले आएंगे। ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे पास, तुम्हारे आसपास देखो ना, इतने लोग हैं जिनके पास आर्थिक ताकत भी है, धन बल है, जिनके पास राजनीतिक ताकत है, वो भी उनमें से कई ऐसे हैं जो निकले होंगे क्रांतियां करने के लिए। तो या तो अभी भी उनको यही लग रहा है कि अभी संसाधनों की कमी है, क्योंकि बहुत लोग अभी हमसे भी आगे हैं, या फिर वो भी मिल गए उन्हीं में, या फिर डर गए, या फिर वो एक चीज जो उनके पास होनी चाहिए थी वो नहीं है उनके पास, इसलिए वो कुछ ना कर पाए। तो ये मत सोचना, इस फिराक में मत रहना कि जब बहुत सारी ताकत आ जाएगी, बहुत सारे संसाधन आ जाएंगे, हर तरह के सुरक्षा कवच हमारे पास होंगे, तब हम क्रांति करेंगे, तब किसी बदलाव के लिए हम घर से निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, आवाज उठाएंगे, कुछ काम शुरू करेंगे। इस काल्पनिक स्वप्न में मत पड़ना। अगर क्रांति करनी हो तो जो करना है, जो बदलाव चाहिए, जो रूपांतरण चाहिए, जो परिवर्तन चाहिए, उसके लिए चाहिए उससे प्रेम। अगर प्रेम होगा तो ताकत अपने आप आएगी। प्रेम होगा तो संसाधन तुम जुटाओगे, इकट्ठे करोगे, और संसाधन जुटाने के लिए भी जो ताकत चाहिए, वो ताकत भी तुम में अंदर से उस प्रेम के कारण आएगी। और अगर प्रेम नहीं है तो चाहे तुम्हारे पास दुनिया भर के संसाधन हो, दुनिया भर की ताकतें हो, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर प्रेम नहीं होता है तो हालत वैसी ही होती है जैसे कि कोई जेल का कैदी हो और चाहता हो कि वो जेल से बाहर जाए, पर प्रेम उसे मुक्ति से है नहीं। अब उसके पास चाबी भी है, जो पहरेदार था उसके पास से चाबी गिर गई, तो उस कैदी ने वो चाबी उठा भी ली, उसके पास चाबी भी है और कोई देखने वाला भी नहीं है, फिर भी वो कह रहा है कि बाहर निकलूंगा तो पैदल जाना पड़ेगा, और पता नहीं घर पे कोई होगा या नहीं होगा, या घर वाले मुझे रखेंगे या नहीं रहेंगे, इतनी 50 बातें सोच रहा है, और इसीलिए खड़ा है जेल के अंदर ही। अब इसके पास संसाधन है ना, ये निकल सकता है, छूट सकता है, पर इसे मुक्ति से कोई प्रेम ही नहीं है। ये सोच, ये क्या कर रहा है, ये आगे की सुरक्षा देख रहा है कि आगे का इंतजाम तो कर लूं पहले। तो तुम वही रहते रहते, बंधन में रहते रहते, उसी जेल में रहते रहते, आगे का इंतजाम कैसे कर लोगे? वहां से बाहर तो निकलो, वहां से तो आगे बढ़ो, तब तो बाहर तुम्हें पता चलेगा कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो कोई भी क्रांति केवल तभी हो सकती है जब जो परिवर्तन तुम लाना चाहते हो तुम्हें उससे प्रेम हो। तुम अगर मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति से प्रेम होना चाहिए, तुम अगर शक्ति चाहते हो तो शक्ति से प्रेम होना चाहिए, तुम अगर कृष्ण को चाहते हो तो कृष्ण से प्रेम होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि जब बुद्ध थे तो महावीर थे, ये
जब निकले थे तब क्या इनके पास संसाधन थे? तब क्या इनके पास शक्तियां थी? जो ताकतें हैं रहती हैं वो थी? नहीं था ना। बल्कि जिन ताकतों जिन संसाधनों को जुटाने में हम मेहनत कर रहे होते हैं, लगे रहते हैं, उन सबको तो वो छोड़कर निकले थे कि भैया इनसे नहीं हो पाएगा। हम जिन संसाधनों को पहले जुटाना चाहते हैं ताकि हमारे पास ताकत हो क्रांति करने के लिए, तो वो सारे संसाधन तो वो छोड़कर निकले थे। कह दिया था रखो, पहले तो ये जो प्रेम है ये गहरा होना चाहिए, हम इसे गहराएंगे। अभी अगर हम नहीं जानते कि वास्तविक क्या है जो करने लायक है, तो हम पहले उसे जानेंगे ताकि हम उसे अपना दिल क्या अपनी जान तक दे दें, उससे प्रेम कर सकें हम, तो फिर जो आवश्यकता होगी सब हम इकट्ठी भी कर लेंगे, सब जुटा लेंगे। जरूरी नहीं कि एकदम ही हम सब कुछ बदल डालेंगे, हम छोटा शुरू करेंगे पर करेंगे प्रेम के वश होकर। ना तो बुद्ध के पास वो सारे संसाधन थे, वो सारी शक्तियां थी, ना कबीर साहब के पास थी, ना मीराबाई के पास थी, ना महावीर के पास थी। लेकिन क्या था इनके पास? मीरा के पास था कृष्ण का प्रेम, कबीर के पास थे उनके निर्गुण निराकार राम, बुद्ध को प्रेम था सत्य से, महावीर को प्रेम था अहिंसा से, लेकिन सब में क्या था? प्रेम था। तुम देखो जो हमारे क्रांतिकारी हुए, भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, झांसी की रानी हुई, रामप्रसाद बिस्मिल हुए, सुखदेव राजगुरु हुए, प्रतिलता वादेदार हुए, बहुत सारे जो 20 साल 21 साल 25 साल 30 साल के जो क्रांतिकारी हुए, कहां थे उनके पास संसाधन? कितने कम लोग थे वो। 40 करोड़ का देश था और उसमें भी कुछ सैकड़ों हजार लोग जो वास्तव में कुछ लोगों को साथ लेकर के अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, उनको दांतों तले चने चबा रहे हैं, क्या इनके पास संसाधन थे? क्या इनके पास शक्ति थी? नहीं थे। ना इनके पास जनता का साथ था इतना, ना इनके पास शक्ति थी, ना इनके पास संसाधन थे। ये इंसान की तरह ही थे, सारे इंसान ही थे, अपने ही जैसे थे। पर क्या था इनको? प्रेम था आजादी से। समस्या ये नहीं थी कि अंग्रेज लोग आकर इनके देश पर राज कर रहे हैं, समस्या ये थी कि अंग्रेज लोग आकर क्रूरता कर रहे हैं, लूट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लोग उनके गुलाम हैं, कड़े और भयंकर नियम बनाकर जनता को गुलाम बना रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। तो इनको प्रेम था आजादी से कि हम गुलाम नहीं जी सकते, हम विराट हैं, हमारी पहचान विराट है, हम अनंत है, हम मुक्त होने के लिए हैं, मुक्त जीने के लिए हैं, तो हम गुलाम कैसे जी सकते हैं? तो नहीं होंगे हमारे पास संसाधन। हो सकता है कि हमारे साथ कोई ना खड़े हो, हो सकता है कि हम बीच मैदान में अकेले हों, हो सकता है कि लाखों के सामने हम अकेले हों, लेकिन हम जानते हैं कि चांद इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि अंधकार होता है, सूरज अकेला चमकता है, और जो महान है वो भीड़ में नहीं चलते, अक्सर वो अकेले होते हैं, अक्सर वो कुछ चंद लोगों के साथ ही होते हैं, और वो होते हैं इसीलिए क्योंकि उन्हें प्रेम होता है आजादी से। वरना उनके पास भी विकल्प उपलब्ध थे कि वो चाहें तो स्वीकार कर लें गुलामी, वो चाहते तो उस समय अंग्रेज कितने ही ऑफर उनको दिए होंगे अंग्रेजों ने कि हम तुम्हें धन दौलत दे देंगे, पैसा दे देंगे, तुम्हें घर दे देंगे, जमीन जायदाद दे देंगे, भारत से अच्छी जगह हम तुम्हें उपलब्ध करा देंगे, तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी, बस तुम हमारे खिलाफ ये जो विद्रोह कर रहे हो, ये जो क्रांतिकारी आंदोलन चला रहे हो, तुम ये बंद कर दो, हम तुम्हें कोई चोट नहीं देंगे, किसी तरह की कोई समस्या तुम्हारे रास्ते में हम खड़ी नहीं करेंगे, तुम्हें अच्छा एक अच्छा जीवन जी सकते हो। ऐसे कई ऑफर उनके पास आए होंगे, चाहे वो कोई भी हो, सबके पास आए होंगे, जो भी क्रांतिकारी रहे, चाहे वो अहिंसावादी हो,
जिनको तुम कहते हो, चाहे वो हिंसक हो, चाहे गरम दल हो या नरम दल, पर क्या इससे वो आजाद हो जाते? नहीं ना, उन्हें आजादी प्यारी थी। तो आप किसी को भी देख लो, किसी भी क्षेत्र में देख लो, जिन्होंने भी क्रांतियां की हैं, हर तरह के क्षेत्र में होते हैं, खेल हो, राजनीति हो, अर्थशास्त्र हो, विज्ञान हो, धर्म हो, अध्यात्म हो, भक्ति हो, सबको प्रेम था और वो अपने प्रेम में ही नाचे हैं, गाए हैं, खेले हैं, कूदे हैं, आविष्कार किए हैं, सब कुछ उन्होंने प्रेम के कारण ही किया है। वरना इतनी ताकत किसमें होती है कि जिसको देखा नहीं, जिसको सुना नहीं, उस कृष्ण की खातिर जहर का प्याला तुम पी रहे हो, जंगल जंगल भटक रहे हो, लोगों से दुश्मनी मोल ले रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा है कि बुद्ध और कबीर और मीरा और महावीर और ये सब जब निकले होंगे तो जनता इनके साथ रही होगी? जितने साथ थे उससे ज्यादा इनके खिलाफ रहे थे, क्योंकि जब ये बातें कर रहे थे तो ऐसी बातें होती थी जो समाज की धारणाओं को, परंपराओं को, उनकी रीतियों को, उनकी मान्यताओं को, उन सब को तोड़ती थी, उनकी संस्कृति पर चोट करती थी, क्योंकि संस्कृति के नाम पर वो जो करते थे वो सब पाखंड था। तो चाहे तुम आध्यात्मिक क्रांति चाहते हो, चाहे धर्म के नाम पर चल रहे पाखंड के विरुद्ध एक सच्चे धर्म को सामने लाने की क्रांति चाहते हो, चाहे तुम जानवरों के साथ हो रही क्रूरता हिंसा के खिलाफ वीगनवाद का प्रचार करना चाहते हो, चाहे तुम नदी तालाब और ये जो प्रकृति का शोषण हो रहा है इसके खिलाफ काम करना चाहते हो, या अन्य जितने भी तरह के शोषणकारी काम हो रहे हैं हर क्षेत्र में हर तरह से, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो शिक्षा के ऊपर हो, चाहे वो जनसंख्या के ऊपर हो, चाहे महिलाओं के ऊपर हो, चाहे हिंदी अंग्रेजी का मामला हो, किसी भी तरह की बात हो, अगर किसी भी क्षेत्र में आप क्रांति चाहते हैं तो आप जहां हैं वहीं से शुरुआत करिए। संसाधन धीरे धीरे करके आते जाएंगे, पर अगर तुम्हें वास्तव में उससे प्रेम है तो ही तुम उसे कर पाओगे, वरना कुछ नहीं होता, सब छूट जाता है। तो इसीलिए कोई भी क्रांति करने के लिए सबसे पहले चाहिए प्रेम। नहीं तो देखा नहीं है तुमने कितने सारे आजकल मोटिवेशन चल रहे होते हैं? पता है क्यों चल रहे हैं? इतने सारे मोटिवेशन के सेमिनार चल रहे हैं और लोगों ने खूब अरबों खरबों कमा रखे हैं उनके माध्यम से, और पूरे देश के वो जवान पीढ़ी है, जितने भी जवान हैं वो सारी जवानी घुसी बैठी है उस सेमिनार में, और पता है क्या कर रहे हैं? इनमें हवा भरी जा रही है कि देखो तुम जो कर रहे हो ना उसको दिल खोल के करो। अब इनको बताया नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो, 2 कौड़ी का घटिया काम कर रहे हो जिससे प्रेम तो है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि अगर प्रेम होता तो तुम जब तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका से या तुम्हारे प्रेमी से, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उससे प्रेम होता है तो तुम्हें क्या मोटिवेशन लेने जाना पड़ता है? नहीं ना, तब तो कब दिन और कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। जब बात करने को कुछ नहीं होता तब भी घंटों घंटों बात चल जाती है, ना जाने कहां से बातें आ जाती है। तो तुम्हें मोटिवेशन लेने क्यों जाना पड़ता है वहां? मोटिवेशन लेने इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि जो काम तुम कर रहे हो उस काम से तुम्हें कोई प्रेम नहीं है। तुम या तो मजबूरी का नाम ले लो, या तुम्हें उन्हीं की तरह उस वो जो भीड़ दौड़े जा रही है ना सिर्फ पैसों के पीछे, तो तुम्हें भी उस भीड़ में शामिल होकर उस भीड़ में सबसे आगे निकलना है, तो उसके लिए ऐसा काम कर रहे हो जिसमें पैसा तो है पर उससे प्रेम नहीं है, 2 कौड़ी का घटिया काम है, अब कर नहीं पा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, तो डीमोटिवेशन पंप चला रहे हैं मोटिवेशन का, हवा भर रहे हैं और थोड़ी देर में फिर हवा भी निकल जाती है, फिर वापस जाते हो, उनका धंधा व्यापार चलता रहता है और तुम बर्बाद करते रहते हो अपनी जवानी, फिर वही तुम्हारा दबा कुचला सा चेहरा, और करोड़ों कमा लिए, फिर महंगी कार ले ली, बंगला ले लिया, लग्जरी है बिल्कुल, कपड़े और मोबाइल और वॉच सब, और कहीं से निकले हो वो तो भीड़ लग जाती है क्योंकि तुम्हारे जैसे कितने ही ढेर लगे हैं जो सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं,
अगर ये लोग सुधर जाएं, और जब तुम निकलो और तुम्हारे पास आकर कोई ना खड़ा हो, तुम्हारी गाड़ी का, तुम्हारे कपड़ों का, इन सब की कोई भी बड़ाई ना करे, तो चाहे तुमने कितने ही कमा लिया हो, तुम्हें महसूस ही नहीं होगा कि तुम इतने बड़े हो गए हो, क्योंकि तुम्हारी इन चीजों की कोई बड़ाई नहीं कर रहा। तुम देखोगे भाई किसी को मतलब ही नहीं हमारी चीजों से, इतनी मेहनत करके हमने पाया। पर ऐसा है कि समाज में लोगों का ढेर है जो सब इन्हीं चीजों के पीछे दौड़े जा रहे हैं। तो जब तुम कमा लेते हो तो समाज से थोड़ा बहुत सम्मान भी मिल जाता है, बड़ाई भी हो जाती है। तो इसीलिए तुम फिर वही चाहते हो कि और कमाया जाए, और कमाया जाए, और कमाने के लिए फिर तुम्हें और उस काम में मेहनत करनी पड़ती है। और उस काम में मेहनत कर सको उसके लिए सिर्फ इस रिस्पेक्ट से काम नहीं चलता, तो तुम मोटिवेशन लेने जाते हो। अगर जो काम तुम कर रहे हो उससे वास्तव में तुम्हें प्रेम होता तो क्या मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती? नहीं ना। मोटिवेशन तो चाहिए इसीलिए क्योंकि उस काम से प्रेम नहीं है, और काम से प्रेम इसलिए नहीं है क्योंकि तुम समझते ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत। इतना जान लो, कोई भी ऐसा काम होगा जो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए हो रहा हो, और स्वार्थ कौन से? वही सांसारिक, धन दौलत, गाड़ी बंगला, पति पत्नी बच्चे, इन सब चीजों के लिए, माने अपने स्वार्थ के लिए जब जब तुम कोई काम करोगे, चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें उससे प्रेम होगा ही नहीं। तुम दिखा सकते हो, बहाने बना सकते हो कि हमें तो प्रेम है इसलिए कर रहे हैं, पर उससे प्रेम होगा ही नहीं। प्रेम सिर्फ उसी काम से हो सकता है जो सत्य की दिशा में हो, जो परमार्थ की दिशा में हो, जो संसार के कल्याण की दिशा में हो। हाँ, जब काम तुम ऐसा करते हो तो उसी में तुम्हारी अपनी भी मुक्ति हो जाती है। तो काम जब ऐसा होगा जिसमें तुम्हारी मुक्ति है और संसार का कल्याण है, सिर्फ उसी काम से तुम प्रेम कर सकते हो, और वो काम फिर इतना विशाल होगा कि उसके लिए तो तुम सर भी कटा सकते हो, उसके लिए भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे को भी चूम सकते हो, मीराबाई की तरह जहर का प्याला पी सकते हो, मंसूर की तरह आंख नाक कान सब कटवा भी सकते हो। जिस हद से तुम्हें गुजरना पड़े तुम सारी हदों से गुजर जाओगे, अगर सही काम है और उससे प्रेम है। तो इतना जान लो कि तुम जो कह रहे हो कि हम क्रांति तो करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बदलाव आए, हम चाहते हैं कि ये जो गलत हो रहा है, ये जो कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इन सब में सुधार हो, पर हमारे पास संसाधन नहीं है, हम कैसे शुरुआत करें? तो इतना जान लो कि अगर वास्तव में तुम्हें उससे प्रेम है, उस काम से, तो उसे शुरुआत करो, जहां से कर सकते हो, दूसरों से नहीं तो स्वयं से शुरुआत करो, अपने ही रूपांतरण से शुरुआत करो। जब तुम अपने आप को बदलोगे, अपने आप को सही दिशा में ठीक करोगे, सुधारोगे, ऊपर उठाओगे, तो अपने आप एक एक कदम करके आगे बढ़ते जाओगे। कोई भी यहां एकदम से आसमान पर नहीं बैठ जाता, शुरुआत सब नीचे से ही करते हैं। पहली सीढ़ी सबको चढ़नी पड़ती है, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, एकदम आप पहली से दसवें सिराव पर नहीं पहुंच सकेंगे। तो जो कोई भी एक सही जीवन जीना चाहता है, एक ऊंचा जीवन जीना चाहता है, जो कोई भी समाज में चल रही इन मूर्खताओं, भेदभाव, छुटपन, इन सबसे थोड़ा ऊपर उठकर एक ऊंचा जीवन जीना चाहता है, क्रांतिकारी बदलाव चाहता है, वो अपने आप से शुरुआत करें, और उस काम से प्रेम हो गया एक बार तो ताकत अपने आप आएगी। ताकत का स्रोत है प्रेम, ताकत को भी बल मिलता है प्रेम से। तो पहले अच्छे से देख लो क्या चाहते हो, किस तरह से चाहते हो, और फिर शुरुआत करो, और बंद करो ये छोटा जीवन जीना, लोगों की तरह जीना। वरना देख लो, इतने लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग हुए आज तक, कहाँ है सब? मिल गए मिट्टी में। धर्म के नाम पर लड़ते रहे, जाति के नाम पर लड़ते रहे, रंग रूप, अमीर गरीब, आदमी औरत, विदेशी और देसी, इन सब के नाम पर लड़ते रहे, मरते रहे, कहाँ है वो सब लोग? सारे के सारे जल गए, मिट्टी में मिल गए, राख हो गए, खाक हो गए, और एक मुट्ठी इस जमीन पर से तुम जो
धूल उठाओगे उस मिट्टी में, उसी में हिंदू हैं, उसी में मुस्लिम हैं, उसी में सारी छोटी बड़ी सब जातियां हैं, उसी में आदमी औरत है, उसी में अमीर और गरीब सब हैं। उस मिट्टी में हर व्यक्ति को जलकर जो खाक बनी थी, राख बनी थी, वो उसी मिट्टी में है। पूरी दुनिया, पूरा देश, सब कुछ तो उस एक मुट्ठी मिट्टी के अंदर है और किसी का नामो निशान नहीं बचा। कुछ चंद लोग हैं जो हजारों सालों पहले हुए, वो आज भी याद हैं। तो देख लो कि तुम्हें किस तरह का जीवन जीना है। वो मुट्ठी में जो मिट्टी है उन लोगों की तरह, या वो जो चंद लोग हैं जिनका नाम आज भी है उनकी तरह, कौन सा रास्ता चुनना है ये चुनाव तुम्हारा है। वरना लोग इकट्ठे करते रह जाते हैं और पता भी नहीं चलता, एक मिनट भी नहीं लगता, दो पल नहीं लगते और इंसान अलविदा कह देता है, जला दिया जाता है, खाक हो जाता है और कुछ नहीं, सब धरा धराया रह जाता है। तो ताकत अर्जित कर लोगे और अगर कुछ है ही नहीं जिससे प्रेम किया जा सके तो उस ताकत का क्या करोगे। इसलिए पहले प्रेम हो और फिर ताकत हो, पहले प्रेम फिर ताकत, तब होती है क्रांति।